हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस नए वीडियो में एक नई चीज। आज के नो डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक्स के बारे में, कैसे आप साइन कॉस टेन के जो मान है कैसे बहुत ही इजिली और एक ही बार में याद करना सीखना चाहेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कैसे आप याद करो, एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप उसको बहुत ही आसानी से याद कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं क्या ट्रिक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पर उस ट्रायंगल से सारी बात समझते हैं। जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पर एक एंगल थीटा मान लिया है, ये ए, ये बी और सी, तीन कंडीशन दे दी कि मतलब ये तीन कोण हो गए और ये जो बीच वाला एंगल उसको समकोण यहाँ पे कहते हैं, 90 एंगल होता है, ठीक। और इसके सामने वाली साइड होती है वो हमेशा कर्ण होती है, ये कर्ण और ये होती है लंब और ये आधार होती है। यहाँ पे जो भी एंगल लेते हैं उसके सामने वाले साइड को हमेशा लंब कहते हैं। अगर आप एंगल यहाँ रखोगे तो ये लंब हो जाएगा, अगर यहाँ से आप देखोगे तो ये लंब है। इसके हम डिस्कस बाद में कर लेंगे, पहले हम डिस्कस क्या करते हैं, ये कर्ण लंब आधार होता है क्या है, किस में क्या यूज होता है, वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला बताएंगे, आप उसे याद कर लोगे तो जिंदगी भर आपको भूली उठनी पड़ेगी। इसके कौन से होता है, एल ए एल अपॉन के के ए, इसे शॉर्ट हम लोग कहते हैं, लाल बटा कक्का पढ़ सकते हैं। तो इसमें याद क्या करना होता है भाई, ये तीन वैल्यूज ऊपर हो गए, तीन वैल्यू नीचे हो गए, या छह वैल्यूज को मैं इसमें आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे कि हमें एक नाम होता है, एक साइन का नाम सुना होगा आपने, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीन चीज़ हो गई, तीनों को हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से उसे याद कर लेंगे भाई। कन्फ्यूजन आप लोग जो स्टार्टिंग पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो, आप लोग को समझ नहीं आता कि कर्ण किस कर्ण में, लंब क्या होता है, आधार किस में आता है, कि साइन में पुट अप करें कॉस पुट अप करें, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो साइन कॉस टेन कन्फ्यूजन को मैं दूर करूंगा इस फॉर्मूले की हेल्प से। वो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो फॉर्मूला मैंने बनाया है, एल ए एल अपॉन के के ए, यानी लाल बटे कक्का है, आपको याद हो गया होगा अब तक। तो यहाँ पर जो एल है, एल अपॉन के, ये वैल्यू होती है साइन की पहले, यहां से ये वैल्यू होती है कॉस की और ये वैल्यू होती है टेन की। यानी अगर साइन का फॉर्मूला याद करना है तो आप इसको देखो, लंब बटे कर्ण, क्या पढ़ोगे, लंब बटे कर्ण पढ़ेंगे, और कॉस का होता है आधार बटे कर्ण हो जाता है, टेन का होता है लंब बटे आधार, याद हो गया होगा आपको एक ही बार में। भाई साइन बटे कक्का, साइन बटे कॉस टेन लगाया, लाल बटे कक्का अप्लाई किया, तो जो पहला होगा साइन का, फिर कॉस का, फिर टेन का, एक लाइन से याद करेंगे तो एल अपॉन के साइन हो गया, ए अपॉन के कॉस आ गया, एल अपॉन ए हो गया टेन थीटा। अब इसके अपोजिट बात कर लें तो आपको पता होगा कि साइन कॉस टेन के एक अपोजिट वर्ड भी होते हैं, व्यतिक्रम यूज करते हैं। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का होता है कॉट थीटा। तो ये फॉर्मूले जस्ट इनके अपोजिट होते हैं, चाहो तो इसे नीचे से पढ़ लो, के अपॉन एल पढ़ लो, या फिर इसका उल्टा कर दो, तो ये बन गया कॉसेक का कर्ण बटे लंब हो गया, सेक का याद करना तो के अपॉन ए कर दो, कर्ण बटे आधार हो गया, कॉट का होता है आधार बटे लंब। इस तरीके से हमें अगर जो तीन वैल्यू के अकॉर्डिंग उन्होंने छह वैल्यू पूरे याद कर ली, इस प्रकार से करेंगे हम सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे सिर्फ एक छोटे से फॉर्मूले से, लाल बटे कक्का से, और इस तरीके से आसानी इसको याद कर पाओगे। इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय।